नेशनल वाइड आज यहां पे चलो राजभवन ये नारा है, जिस चीज को लेके आज सदन भी यहां पे लग रहा है दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में, उसी की कड़ी नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट है राजभवन चलो के माध्यम से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता वारसू साहब हम सब लोग मिलके वो राजभवन भराव के माध्यम से, ताकि वो चीजों लेके जो राहुल जी ने आवाज भी बुलंद की कि हिडनबर्ग ने जो खुलासा यहाँ पे किया था, किस ढंग से अडानी इतना ज़बरदस्त मालोमाल यहाँ पे हो गया और जो पैसा जिस ढंग से LIC और स्टेट बैंक का पैसा जो पब्लिक मनी थी वो किस ढंग से फंड फ्रॉड यहाँ पे हो गया और कई चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली हैं। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सदन में भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी सवाल पूछे, उसका जवाब कहीं नहीं आया। मोदी जी जो काला धन लाना चाहते थे, अब तो सफेद धन भी हिंदुस्तान का बाहर चला गया। जांच का विषय है, पूरा सदन में सांसद ही मांग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ खड़े होकर यही मांग करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो जाए, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो सामने आ जाए। भाजपा जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है इससे घबरा क्यों रही है, जो भी है लोगों के सामने यहाँ पे आ जाए। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से भाजपा की जन विरोधी नीति है वो भी इस विरोध के सिलसिले में, चाहे आप टैग के सिलसिले में देखिए, आप जिस ढंग से छात्र आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं, लाठियां बरसा के मांझ के उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और वहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, यहाँ पे लोगों को तंग करने की बात की, ये टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली सरकार है। और कहीं पे टोल प्लाजा हो, दूसरी चीज़ें यहाँ पे हो, आए दिन महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं, भाजपा के इस जन विरोधियों का विरोध करने के लिए भी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा जा रहे हैं।